ये कनेक्ट कर दिया। हो गया बस, एक मिनट रह गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। आज कोई टेस्ट तो नहीं दिया वापस पोस्ट कर रहे आपको? जी स्टूडेंट्स। यस मैम। कोई टेस्ट तो नहीं दिया वापस है? यस मैम। टेस्ट तो नहीं दिया हुआ था मैंने तो मुझे नो मैम, नो है, किसी चीज का भी टेस्ट नहीं था। होमवर्क था मैम? आपकी ना आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है और कट भी रही है हल्की हल्की। अच्छा, जस्ट वेट। अब कैसे आ रही है? अब कैसी आ रही? यस मैम। अब आ रही है आवाज आपको? यस मैम, आप सही हो। साथ प्रेजेंट, ताहा इज प्रेजेंट एंड आयान। जी आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लिमिटिंग फैक्टर्स आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट। जी वी स्टार्ट विद द लिमिटिंग फैक्टर्स। नाउ व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हियर इज आई एम। आवाज बड़ी अंकित। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, मैंने क्या बंद कर दिया? एक मिनट।
जी स्टूडेंट्स मेरी बात क्लियर हो गई आपके? नहीं मैम आ रही है। अच्छा जी आयाम बेटा एक्सप्लेन करेंगे साइकिल को। आयाम कैन यू हेयर मी? हेलो स्टूडेंट्स ताहा आपको आवाज आ रही है साथ आपको? यस मैम। जी फरहान सॉरी आयान बेटा ये एक्सप्लेन करें कैल्विन साइकिल को। जी आयान बेटा एक्सप्लेन दिस साइकिल। मैम जो रिएक्शंस होते हैं इसमें वो डार्क रिएक्शंस इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। अदर नेम्स ऑफ केल्विन साइकिल आर जी इसके अलावा क्या बोलते हैं बेटा केल्विन साइकिल? मैम केल्विन साइकिल को इसके अलावा वो बोलते हैं डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जी ठीक हो गया साहब। बेटा आप एक्सप्लेन कर दो आपको आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है आप एक्सप्लेन कर दें इसको लाइट इंडिपेंडेंट। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन मैम जैसे डार्क ये जो ओपन हुआ है आपको स्क्रीन पर शेयर हो रही है ना? अच्छा मैम CO molecules combine with 5 carbon sugar to form temporary 6 carbon compound. मैम this temporary 6 carbon compound is known as ribulose biphosphate and मैम these carbon and each of the when this form a 6 carbon temporary compound each of splits into 3 carbon compound which is known as phosphoglyceraldehyde. The 3 carbon compound are reduced from carbon 3 carbon carbohydrates by using ATP and NADPH which was formed during light reactions and the 3 carbon carbohydrates are used to manufacture glucose. Ma'am the 3 carbon carbohydrates are also used to generate the original 5 carbon compound. This step also utilizes ATP. Ma'am, and when NADPH and ATP is oxidized and NADP becomes NADP plus and ATP becomes ADP plus one natural phosphate. Mm-hmm. And in light reactions, the NADP plus and ATP are reduced and NADP plus becomes NADPH. ठीक है इसकी भी रिसाइकलिंग होती थी मतलब ये यहाँ से जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दोबारा से लाइट रिएक्शन में एंटर हो जाएगा तो गेट रिड्यूस्ड ठीक है ना? ठीक हो गया जी आयान आर यू लिसनिंग? आयान यस मैम। जी बेटा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मैम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एक्चुअली आर डार्क रिएक्शंस। ओके फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? व्हाट डज दिस 5 कार्बन कंपाउंड नेम? मैम ये
स्ट्रोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है. ठीक हो गया. स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ओके. और व्हाट डज दिस फाइव कार्बन कंपाउंड कॉल्ड? एंड दिस फाइव कार्बन कंपाउंड इज नोन एज रिबुलस बाइफॉस्फेट. जी आयान, आवाज आई आपको? यस मैम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइव कार्बन कंपाउंड? रिबुलस बाइफॉस्फेट. रिबुलस बाइफॉस्फेट. और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगा? इस एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में ये कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसका नाम है रुबिस्को. यहाँ पे आप करके लिख भी लीजिएगा रुबिस्को. ठीक है, ये कुछ दो तीन नाम है. रुबिस्को, RUBISCO. रुबिस्को इज एन एंजाइम, प्रोटीन है बेसिकली. एंजाइम्स आर प्रोटीन ना. दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड प्रोटीन, बहुत ज्यादा पाई जाती है ये वाली प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, रुबिस्को. ठीक है, चलें जी, मूव ऑन टुडेज टॉपिक. एंड टुडे वी विल डू द लिमिटिंग फैक्टर्स. मैम? यस यस सर. मैम मैंने ना मैम मैंने वो क्या कहते हैं देखा था जो सिलेबस शॉर्ट है उसके अंदर ये वाले टॉपिक्स तो नहीं है वैसे. अच्छा, है आपके पास उसका कोई? मुझे सेंड करो कि जो सिलेबस शॉर्ट हुआ, क्योंकि वो मुझे yes, मेरे पास ओपन नहीं हो रही थी फाइल वाली. मैं सेंड करता हूँ आपको. अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं थे बताएं, चैप्टर में कौन सा रह गया टॉपिक जो थी करने वाला? मैम उसके अंदर ये रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट भी नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, और आगे जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन वगैरह ये भी नहीं है, मैकेनिज्म भी नहीं है, एनर्जी बजट भी नहीं है, इतने टॉपिक कम है. अब मैं आगे जैसे स्क्रॉल कर रही हूँ तो कौन सा टॉपिक अब हमें करना है फिर इसके बाद? ये वैसे स्कूल जाके मुझे मैं बताता हूँ आपको. मैं स्कूल जाके कंफर्म जब मुझे कॉपी मिलेगी ना कोई इसकी रिटर्न फॉर्म है तभी मुझे उस पर रिप्लाई मिलती है, अदरवाइज तो पता नहीं. मैम वैसे ये जो ये वाला है ये तो मैंने वो क्या कहते हैं ये 22 लाहौर की वेबसाइट पे था ये वाला. अच्छा, फिर ठीक होगा. वैसे ये डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन ये तो थे ना दोनों? यस मैम ये थे. अच्छा जी, फिर क्या ख्याल है रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट कर लें? यस मैम. चले यहाँ से फिर आप स्टार्ट कर लेते हैं. स्क्रीन तो शेयर हो रही है सब स्टूडेंट्स को? यस मैम. अच्छा जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हाँ जी, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो रेस्पिरेशन जो जनरली आपके माइंड में आइडिया है, कहा आप बताओगे व्हाट इज रेस्पिरेशन? यहाँ पे तो ऑब्वियसली थोड़ी डिटेल आएगी और कुछ केमिकल रिएक्शंस आएंगे इसको, तो जो जनरली रेस्पिरेशन हमारे माइंड में एक कॉमन है. मैम जो मैम एनर्जी जब यूटिलाइज एनर्जी जो आप उस एनर्जी को यूटिलाइज स्टार्ट कर देते हो करना? मैम अब एनर्जी डाइजेशन में भी यूटिलाइज होती है फूड के ब्रेक डाउन के अंदर, और इसके अलावा मैम जब हम लोग कोई एक्सरसाइज या वो
जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो तब मसल्स एनर्जी यूटिलाइज करते हैं. अच्छा ठीक हो गया. अब इसी को आगे लेके चलते हैं कि व्हेन वी क्या कहना चाहिए, व्हेन वी यूज और फूड, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो फूड की फॉर्म में स्टोर होती है ना. तो व्हेन वी ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, इसको अब हम डिटेल में इसको इस तरीके से लेंगे. अयान बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो अयान, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Okay. अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि पीछे चैप्टर में जो सॉरी टॉपिक्स में जो फोटोसिंथेसिस देखा उसमें देखा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ CH bonds. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में जो फूड है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में. तो जितने भी ये हमारे बॉडी में फूड स्टोर होगी उनके अंदर ये जो CH bond है दिस इज द प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो बॉन्ड है, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है. इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना वो स्टोर हुई. अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इस हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से ये जो बॉन्ड्स है ना CH बॉन्ड्स जो कि बहुत सारे अब बने हुए हैं जो हम फूड की फॉर्म में लेके जा चुके हैं बॉडी के अंदर, वो ब्रेक डाउन होंगे. उसकी ब्रेक डाउन से जो है वो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जो है वो ATPs में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, और इस तरीके से जो एनर्जी रिलीज होगी ATPs में कन्वर्ट होगी और दिस ATP इज यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स. चलिए जी आयान बेटा आप इसकी जो है ना रीडिंग स्टार्ट करो, रेस्पिरेशन की फर्स्ट पैराग्राफ. व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट heat etc. In this burning process oxygen is used to break the CH bonds present in fuel molecules. In the same way organism utilizes oxygen for the breakdown of CH bonds present in the food in their cells. The breakdown yields energy which is transformed into ATP. During this process the CH bonds are broken by oxidation reduction reactions and also carbon dioxide and water are also produced. The cellular energy yielding process is called cellular respiration. जी, अब यहाँ पर cellular respiration की definition आपके पास आएगी. The cellular energy yielding process is called cellular respiration. यानी कि cell के level पर सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई भी है अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स तो वो कहलाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन. और स्टार्ट में बड़ी ही उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल आपको दी है कॉमन, कि अगर आपको किसी चीज को जलाना हो तो आप क्या करोगे, उस चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो चीज जो है ना वो जलेगी. आपको पता है जब भी आप कोई चीज लिट करना चाहो जैसे आग जलाना चाहो तो आग जलाने के लिए आपको इटियट ऑक्सीजन एयर मस्ट चाहिए. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होगा वो आग चलेगी और आग के जलने से क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, आपको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. आपकी बॉडी में भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि फूड जो है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है बॉन्ड्स वो एनर्जी उनके अंदर बहुत ज्यादा स्टोर है, उस एनर्जी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और हमारे पास एनर्जी मिलती है बहुत सारे इन द फॉर्म ऑफ ATPs. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच रेस्पिरेशन इज वेरी हेल्पफुल टू रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी. और रेस्पिरेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, रेस्पायर करने का मतलब है कि हम ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं, तो वो जब अंदर जाएगी तो हमारे CH बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर देगी. जब ये CH bonds break होंगे तो then we feel that energy. ठीक है जी साथ, but I tell why oxygen is important in the gain of energy. Yes ma'am. Why oxygen is important in the gain of energy? What is the role of oxygen? In ma'am, oxygen breaks down the CH bonds. ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा? मैं ये
जब सी एच बॉन्ड ब्रेक और मैम ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन मैम ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं सी एच बॉन्ड्स को क्या कहते हैं ब्रेक करने के ब्रेक डाउन के लिए सी एच बॉन्ड्स उनके फूड के सेल्स में पाया जाता है जी बिल्कुल जितनी भी ग्लूकोज है आपकी बॉडी में स्टार्च है प्रोटीन्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सी एच बॉन्ड्स ठीक है तभी तो इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है जब भी सी एच बॉन्ड का नाम आएगा ना आप फौरन समझ जाओ कि कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर ऑर्गेनिक एंड दे आर रिलेटेड टू लिविंग ऑब्जेक्ट्स ठीक है और जब ये रिलीज जब ये ब्रेक डाउन होंगे बॉन्ड्स बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी सर क्या प्रोड्यूस होगा जब ये बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे मैम एटीपी इज प्रोड्यूस होंगे व्हिच इज द एनर्जी करेंसी ऑब्वियसली एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ठीक हो गया तो ये जो सेल लेवल पे जब ये काम शुरू हो जाता है ना तो वो कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन और उसके रिजल्ट में इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फूड ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं उस फौरन उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तभी तो हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो चुकी होती है ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है वो हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं है और उसके साथ साथ बॉडी में वाटर भी बनना शुरू हो जाता है जो कि हम यूरिन के थ्रू रिलीज करते हैं एक्स्ट्रा वाटर दिस इज रेस्पिरेशन इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस का C6H12O6 जब बनता है उसी की जब ब्रेक डाउन होगी ना ऑक्सीजन की वजह से तो ये इसके रिजल्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर समझो उसकी जो केमिकल इक्वेशन आपने पढ़ी है उसको उल्टा कर दिया अच्छा जी नाउ देयर इज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन अब रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होती है दो तरह की रेस्पिरेशन होती है एक को नाम देंगे आप एरोबिक और एक को नाम देंगे एनएरोबिक एरोबिक मींस ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है एरोबिक मींस ऑक्सीजन गैस और एनएरोबिक इसके पीछे एन लगे मतलब ऑक्सीजन मेरा नेट स्लो हो रहा है जस्ट वेट आवाज आ रही है स्टूडेंट्स यस मैम हाँ जी जी ताहा जो रीड दीज लाइंस यस मैम ताहा से मैं क्वेश्चन कर रही थी कि आप इसकी रीडिंग स्टार्ट कीजिए अभी ने डिफरेंस बताया आपको एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मैं करूं रीडिंग जी कीजिए साथ aerobic and anaerobic respiration the most common fuel used by cell to get energy by cellular respiration is glucose the way glucose is oxidized depend on the availability of oxygen the cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration ji students isko mark kar lijiye students mark from here that aerobic and anaerobic respiration ki definition hai aisi respiration jisme oxygen ka istemal hoga that is known as aerobic respiration and the one which usme absence hai wo kehlayegi anaerobic theek hai ji aerobic respiration in the presence of oxygen complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy in the first two phases of aerobic respiration a molecule of glucose 6c is broken down into molecules of uric acid
PEC. In the second phase, molecules of pyruvic acid are completely oxidized. All CH bonds are broken to CO2. And water and all energy is released. The overall reaction is as follows. C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + energy. जी अब आप देखो this is exactly the opposite of photosynthesis. Photosynthesis में ये दोनों reactants थे. ऐसे ही है ना ये दोनों reactants थे. और light energy की presence में ये दोनों combine होके तो ये बना देते हैं glucose and oxygen. ये photosynthesis था. लेकिन same उसका opposite करते हैं आप तो वो बन जाता है respiration. ठीक है ना. Is it balanced? Ayan, beta, check करें क्या ये equation, chemical equation balance है? Balance करना सीख चुके हैं chemical equation chemistry में अभी कि नहीं? Hello? Saad, Ayan? No, sir. जी beta, इसको जरा check करके बताएं, is it a balanced equation or not? जरा check कीजिए. बैलेंस में आपने जस्ट करना क्या है देखना है कि कितने यहाँ पर कार्बन एटम्स हैं बिफोर रिएक्शन तो रिएक्शन होने के बाद कार्बन के सेम एटम वहां मौजूद हैं कि नहीं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने होते हैं हाइड्रोजन जितने हैं एज ए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बाद भी उतने ही हैं या कम ज्यादा हो गए हैं तो बस इसको बोलते हैं कि इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन तो चेक करें बैलेंस नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें बिफोर रिएक्शन कितने थे जी आयान कितने कार्बन एटम्स हैं बिफोर रिएक्शन बिफोर केमिकल रिएक्शन हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द इक्वेशन ताहा आप बताएंगे आयान तो पता नहीं मैं बताऊं आयान बेटा साथ आपको आवाज आ रही है आयान की नो मैम जी ताहा कहाँ पर है उनसे कहीं जरा बताएं हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हियर बिफोर रिएक्शन ताहा मैम सिक्स ठीक हो गया कहीं और तो नहीं मौजूद ना कोई कार्बन एटम सिक्स आर प्रेजेंट एंड आफ्टर रिएक्शन कितने कार्बन एटम्स हैं मैम तब भी सिक्स ही हैं हाँ तो ठीक हो गया कार्बन इज इन बैलेंस्ड फॉर्म व्हाट अबाउट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन कितने हैं 12 एंड आफ्टर रिएक्शन मैम तब भी इतने ही हैं कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है वाटर वाटर की फॉर्म में पहले किस फॉर्म में था मैम शुगर शुगर्स की फॉर्म में था ये अच्छा ठीक हो गया हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन जी ऑक्सीजन कितने थे बिफोर रिएक्शन जी ताहा हरी आप जल्दी से बताइए जी साद आप बता दें ऑक्सीजन यहाँ अलग से भी नजर आ रहा है आपको और ग्लूकोज में भी है तो टोटल प्लस कर लें इन सबको कितने बनेंगे 18 ताहा को साद बताते जाते हैं और फिर ताहा आंसर कर रहे हैं ताहा अगर आपको नहीं आ रहा यू कैन आस्क फ्रॉम मी देखिए सिक्स यहाँ पर है 12 यहाँ पर है 6 टू 12 इधर है 6 इधर है प्लस कर दो तो 18 हो गया अब आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखें ऑक्सीजन वहां कहाँ कहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी है तो 6 टू 12 इधर नजर आ रहे हैं आपको और 6 यहाँ पर है वाटर के साथ
18 इधर हो गए पूरे. तो दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है जी आयान बेटा यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. साथ ये वाला टॉपिक था उसमें फर्मेंटेशन और आगे. मैम यस ये था फर्मेंटेशन वगैरह. इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन नहीं था. ओके ठीक है जी आयान रीड दिस पैराग्राफ फर्मेंटेशन. हेलो आयान बेटा आर यू देयर इन द क्लास. यस मैम. मेरे ख्याल से उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है. जी आयान रीड दिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन. हम एरोबिक कर चुके हैं. एरोबिक की समझ आई है आयान आपको? यस मैम. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर होती है. क्या होती है? और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है. ठीक है मैक्स. और कितने स्टेप्स में होती है? मैम ये 2 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? व्हेन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज व्हाट विल हैपन? मैम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रोक हो जाता है और फिर वो 2 मॉलिक्यूल्स में बन जाता है जिसको हम कहते हैं पाइरूविक एसिड. पाइरूविक एसिड. इट्स पाइरूविक एसिड. पीवाई से देखो ना पाइरूविक एसिड. तो इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो वो 6 कार्बन कंबाइंड ब्रोकन डाउन इनटू 2 पाइरूविक एसिड कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है इट्स अ पाइरूविक एसिड. क्या नाम है आयान इसका? सही नाम प्रोनाउंस कीजिए. पाइरूविक एसिड. पाइरूविक एसिड. जी रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. जी द एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. मैकेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड with less amount of energy released. The mechanism of anaerobic respiration is as follows. First phase. The first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. A molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. The second phase, pyruvic acid is not completely oxidized due to the absence of oxygen. It is transformed into alcohol or lactic acid. In this way, many of the CH bonds are left unbroken in the products. ठीक है. बस खत्म हो गया? Yes, ma'am. Okay. इसमें अब हमें पता चला कि जो anaerobic respiration है, उसका first step तो बिल्कुल aerobic जैसा ही है, जिसमें glucose broken down into pyruvic acid हो जाता है. लेकिन further pyruvic acid completely breakdown नहीं होता, बल्कि वो incomplete breakdown होता है. उसमें हाइड्रोकार्बन्स के कुछ बॉन्ड्स रह जाते हैं और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. ठीक है तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं. इसी वजह से इसको आगे चल के आप देखो ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी अब आगे आ रही है. ये इसीलिए डिटेल में आप इसको मजीद देखेंगे और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को अलग अलग देखेंगे आप. ये देखिए पाइरूविक एसिड के रिजल्ट में इथाइल अल्कोहल भी बनेगा और लैक्टिक एसिड भी बनेगा. दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड. पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रेकअप नहीं होंगे. ठीक है और इसके रिजल्ट में एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. जी सर यू रीड दिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके मैम. Alcoholic fermentation, it occurs in bacteria, yeast, etc. In this type of aerobic respiration, pyruvic acid is further broken down into alcohol C2H5OH and CO2. Pyruvic acid is equal to ethyl alcohol plus carbon dioxide. Carbon dioxide. ये जो घर में हम baking करते हैं तो उस वक्त भी fermentation ही होती है जिसके result में जो ब्रेड वगैरह है ना वो फूल जाती है. क्यों फूल जाती है? कि उसमें ये जो फर्मेंटेशन हो रही होती है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है ना तो चीज ऐसे उसमें गैस प्रोड्यूस होती है ना तो वो चीज ऐसे फूल जाती है. ये बेसिकली और हम आपको मतलब देखा भी होगा बच्चों ने कि जब घर में ब्रेड बेक करनी हो या पिज्जा वगैरह तो हम उसमें
यीस्ट डाल रहे होते हैं, यीस्ट, तो ये वाली यीस्ट होती है, इट्स बेसिकली ये फंगस, ठीक है। तो यीस्ट डालने से क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाती है उस डो की, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है ना फर्मेंटेशन के रिजल्ट में, क्योंकि हमने यीस्ट ऐड की हुई है, तो वो चीज जो है वो फूल जाती है। कभी देखे मतलब पिज्जा वगैरह जब बेक होता है या ब्रेड बेक होती है, तो उसके रिजल्ट में चीज जो है वो ब्रेड जो है वो ऐसे मोटी हो जाती है due to the production of this carbon dioxide gas. जी ताहा, you read the lactic acid fermentation. Okay, ma'am. Lactic acid fermentation. It occurs in skeletal muscles of humans and other animals during extreme physical activity. This also happens in the bacteria present in milk. In this type of anaerobic respiration, each pyruvic acid molecule is converted into lactic acid. C2H6O3. Yes. Pyruvic acid जो है वो oxygen अगर कम होगी तो lactic acid में convert हो रही होगी. C2H6O3 ये इसका लैक्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला। और ये उन्होंने आपको बताया कि आप जब कोई एक्सरसाइज करते हो, ये तेजी से हम जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आपने देखा आपकी लेग्स में एकदम जैसे मसल्स जो है वो फिटिंग हो जाती है, मसल फिटिंग, थकावट हो जाती है मसल्स को, कभी नोटिस किया ये स्टूडेंट? यस मैम, यस मैम, होती तो है। भागे तेजी से आप, काफी देर भागते रहे तो सांस तो क्यों तेज तेज सांस लेते हैं आप, टू कम्पनसेट द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है ना उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फिटीक हो जाती है, मसल्स हमारे थक जाते हैं, पेन हो जाती है शुरू ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन कम मिलती है ना, जितनी तेजी से हम भाग रहे होते हैं उस तेज से ऑक्सीजन ही हमें इनहेल कर पाते, तो जब ऑक्सीजन कम मिलेगी ना ग्लूकोज को तो वो पायरुविक एसिड में तो कन्वर्ट हो गया, मजीद पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही, तो जब पूरी नहीं मिलेगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है हमारे मसल्स में, इसीलिए मसल फिटीक हो जाती है, मसल्स थक जाते हैं, समटाइम्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में। क्यों पड़े होते हैं क्रैम्प्स मसल में? अक्सर आपने कोई गेम खेली ऐसी तेज, उसके बाद आप दो तीन दिन तक आपके जो लेग्स वगैरह हैं इनमें पेन होती रहती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो वो लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन उतनी नहीं बॉडी में गई जितनी जरूरत थी। और इसी तरह से घर में उन्होंने कहा कि मिल्क में भी जो बैक्टीरिया मौजूद होता है ना, कभी देखे दूध दही बन जाता है, तो ड्यू टू दिस फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंट कर दूध को फर्मेंट कर देते हैं और उसकी वजह से दूध जो है वो फट जाता है। जी आयान, व्हाट आई टेल अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? अब कभी आप तेजी से सीढ़ियां भागेंगे तो क्या हो रहा होगा आपकी बॉडी में, कौन सी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उसके रिजल्ट में क्या होता है? कर रहा हूं कंटीन्यूअस। हां जी, तो क्या क्या फील करते हैं हम व्हेन वी? मैम हमें ऑक्सीजन कम मिल रही होती है इसलिए हम सांस फूल फूल के ले रहे होते हैं, और वही ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है। ठीक है, तो क्या बनना शुरू हो जाता है हमारे मसल्स में, जो मसल फटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है मसल्स को, जब कौन सा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है? मैम लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है, वो फिर बाय द टाइम आस्ता आस्ता रिलीज होता है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन, जब हम एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं तो दोबारा लेवल पे आ जाता है ना हमारा सांस, थोड़ी देर बाद हम अपने सांस को इक्वल कर लेते हैं, तो फिर जब ऑक्सीजन मिलेगी तो लैक्टिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन हो जाता है पूरे का पूरा, जो कि होना चाहिए था पहले ही, लेकिन पहले चूंकि एक्सरसाइज ज्यादा थी और ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी तो फिर पाइरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड। जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? दिस इज द लास्ट वन। इम्पोर्टेंस नहीं है, देख लें साथ, ये ना बाद में पता चले कि ये चीज़ है। मैंने तो आपको सेंड भी किया है वो। अच्छा, मैं भी देखती हूँ, मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैं भी चेक करती हूँ, कंफर्म करती हूँ कि वाकई, मैं भी सर आबिद से बात करूंगी ना, क्योंकि जो जो टॉपिक नहीं है तो फिर हम उन्हें छोड़ देते हैं पढ़ाना, फिर क्या जरूरत है। चले आज इतना ही रखते हैं, यहीं तक कर लें आप, जो जो टॉपिक्स है ना छोटे छोटे सारे उनको, रेस्पिरेशन यानी कि आज आपने स्टार्ट किया, कहाँ तक लेके गए आप इसको,
अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था. ठीक है, कोई और भी है क्लास में आप तीनों के अलावा? आमना है? कोई आप तो ही नहीं है. और मैं मेरे ना एक्चुअली स्क्रीन पे ना वो गायब हो गया पार्टिसिपेंट्स वाला, पता नहीं कहाँ चला गया. अब दोबारा आ नहीं रहा, मैंने ट्राई किया पर आ नहीं रहा. मैं कंप्यूटर्स में बेसिकली बच्चों इतनी अच्छी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैंने सीखा आपकी क्लासेस के लिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं पता कंप्यूटर का. आपको तो सब पता होगा, स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होता है आजकल. कैसे आएगा भी बताएं मुझे, पार्टिसिपेंट वाला वापस कैसे आएगा कोई बता सकता है? कौन सा? मुझे पार्टिसिपेंट की लिस्ट नजर आ रही होती है ना कि कौन कौन क्लास में है. बॉटम में क्या लिखा होगा? जूम लिखा होगा नीचे, दो पीपल का साइन बना होगा. बेटा वो तो ऊपर होता है, पार्टिसिपेंट ऊपर लिखे हुए होते हैं, वो गायब ही हो गया. मैं इसको अगर क्रॉस करूं तो, अगर मैं क्रॉस करूं, अगर मैं चली गई तो परेशान ना होगी. मैं चेक करना चाह रही हूं पार्टिसिपेंट है कहां. जस्ट वेट, मैं मेल लगा दूं. चार लोग हैं. अच्छा, चार पार्टिसिपेंट्स हैं, सो तीन लोग आप और एक मैं. मैम आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रही हैं? हां जी, लैपटॉप चेक करते हैं. मैम लैपटॉप के नीचे कर्सर लेकर जाए तो वहां पार्टिसिपेंट्स लिखे होंगे, आप चेक कर लें. वो पार्टिसिपेंट्स का पूरा ऑप्शन होगा. नीचे नहीं है वो, मेरा ऊपर, मैंने ऊपर रखी हुई है बाहर ना, ऊपर आ रहे होते हैं. लेकिन इस टाइम आपका स्क्रीन शेयर हो रही है मेरा इस वक्त मेरी? नो मैम. बुक नहीं. अब देखो, अब आमना मुझे, आमना है इसका मतलब क्लास में. आमना आर यू देयर? यस यस. अच्छा, अब मुझे कब आए हो आप? स्टार्ट में तो नहीं थे बेटा? नहीं, मैं इसमें स्टार्ट में ही थी. अच्छा चलें ठीक है, आपकी मैं प्रेजेंट लगा दूंगी आज. चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे एंडिंग का वो आ रहा है मैसेज, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती हूँ. ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़. आमना आज का पता चल गया टॉपिक्स क्या क्या किए हैं आपने, जल्दी से बता दो मुझे. इंस्पिरेशन का किया है. अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक का किया. कल आपसे ये मैं सुनूंगी आमना, स्पेशली फ्रॉम यू ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा. ठीक है जी, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू. अल्लाह हाफिज़.